ये मेरे पीछे एक टिकट काउंटर है, यहाँ पे माउंटेनियरिंग का फिल्म आपको दिखाया जाएगा। तो अभी आ गए हम पद्मा नायडू जू के यहाँ। अंकल ने हमें यहाँ नीचे रोड पे उतार दिया था, कहा था ये सीढ़ियाँ पकड़ के आप ऊपर जाओ, 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। ये वॉकिंग डिस्टेंस कवर करके आप जैसे ही टिकट काउंटर पे पहुँच जाओगे। तो अभी हम लोग टिकट काउंटर पे पहुँचते हैं और आपको बताता हूँ कि क्या रेट्स है टिकट। ये जू के रोड पे कुछ छोटे छोटे ठेले शॉप्स है, क्राफ्ट लोकल क्राफ्ट वर्क के सवेनियर्स वगैरह रखे हुए हैं। जहाँ हम लोग टिकट काटते हैं घुसा ना जू में उतर खड़ा है। पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क और हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट दोनों भी एक ही गेट के अंदर है, एक ही कैंपस के अंदर है। दोनों का टिकट काउंटर सामने लगा हुआ है, सार्स काउंटर। जू और हिमालयन माउंटेन नरियंग का फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज़ है और कैमरा ले जाने के लिए 10 रुपये चार्ज है और पर हेड 60 रुपीज़। और जू और इस जू का टाइमिंग है 8:30 to 4 PM। 4 PM तक आपको टिकट्स अवेलेबल मिल लेता हूँ। और आप सिक्स ईयर्स के नीचे के जो बच्चे हैं वो जू में फ्री है, उनको एंट्री, और बाकी 6 ईयर्स के ऊपर जो है उनको फुल चार्ज 60 रुपीज़ लगेंगे और कैमरे के 10 रुपये। ये कुछ एंटर करते ही आपको ऐसा एक व्यू मिलेगा। सो दिस सामने लिखा हुआ है ब्लैक बियर हर्बल स्नो लेपर्ड। और मेरे पीछे कुछ शॉप्स वगैरह है। ये 7 ईयर शॉप है। जू के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है और ये जो ये नीचे से रास्ता आ रहा है ऊपर जा रहा है ये जू है। और अभी हम लोग जा रहे हैं HMI हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट, जिसका गेट ये रहा सामने। सो इंस्टीट्यूट देख लेते हैं। अगर आप कोई एडवेंचर करना चाहते हो तो HMI के अंदर एक टिकट काउंटर है, 80 रुपीज़ सोलो के है। आप जिप लाइन वगैरह
ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह कुछ कर सकते हो, तो अंदर इसकी भी सुविधा है। ये मेरे पीछे एक टिकट काउंटर है, यहाँ पे माउंटेनियरिंग का फिल्म आपको दिखाया जाएगा। शो टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं, पर हेड पर सीट के 30 रुपीज़ है, और आपको अगर पेन ड्राइव में चाहिए ये तो आपको 450 चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करना, बैलेंस ट्रांसफर कर पा दीजिए। म्यूजियम के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, सो मैं अंदर शूट नहीं कर पाया। तो एक्चुअली म्यूजियम के जो ग्राउंड फ्लोर है, म्यूजियम का ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप माउंटेनियरिंग के शौकीन है या आप रेगुलर पर्सन है, जैसे माउंटेनियरिंग नहीं करते, ट्रेकिंग नहीं करते, तो भी आप अंदर जाके देख सकते हैं। सब सारे के सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स वगैरह सारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अंदर रखे हुए हैं। आप बहुत ही अच्छा अंदर एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो हॉल ऑफ फेम करके एक जगह है, वहाँ पे 1914 से लेके आज तक जो जिसने एवरेस्ट क्लाइम किया है उनके बारे में सारे, उनके जो बैजेस है, वो जो इक्विपमेंट्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो सारे रखे हुए हैं, और उनके सर्टिफिकेट्स और अप्रिसिएशन लेटर्स भी हैं। HMI में आपको बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए है, जैसे रॉक क्लाइंबिंग हो गया, जिप लाइन हो गया, और बहुत सारे ऐसे दो चार और एडवेंचर स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं। तो अभी ये सब हम लोग देख के बाहर निकले हैं, अभी वापस जो बचा हुआ जू है वो हम लोग देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। शाम को 4 बजे तक आपको लास्ट टिकट मिलेगा, और 4:45 यानी 5:45 बजे तक आपको घूम लेना है सब शाम को, ये याद ज़रूर याद रखिए, या आपको आधा जू घूमने नहीं मिलेगा। जू में आपको टाइगर, लेपर्ड, वुल्फ, ये सारे एनिमल्स देखने मिलेंगे, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो दे आर गोइंग टू लव इट, वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। इवन एडल्ट के लिए भी देखने के लिए बहुत अच्छा है। सो ये कुछ था आज का साइट सीइंग का ट्रिप, अंकल ने हमें पूरा ट्रिप घुमाया। अंकल का नाम उत्तम है,
इनका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है मैं डाल दूंगा, अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो ज़रूर इनको कॉन्टैक्ट कीजिए। ये बहुत ही फ्रेंडली है, आपको घुमाते वक्त ऐसे बिल्कुल बीच रास्ते में ट्रैफिक विफेक में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप बोर हो रहे हो, ऐसे कोई फीलिंग नहीं आएगी। सो दैट्स इट, यही था आज का ब्लॉग। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।